एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राम राम सबको। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी देख रहे हैं। और दिखाऊं मैं, मीठा पानी आया है, ये भर दिया है। मटका मेरा बहुत पुराना हो गया है, धो भी देती हूँ ना, मतलब धोने के बाद वापस से सफ़ेद निकल जाता है। क्या किस में? स्कूटी में नाल ले नाल नीचे तो मंगाना पड़ेगा। मीनू तो कहूँ, मैं कहूँ जी आए थे बाहर से, उनको वो देने गई थी बॉडी वॉश। मैं जस्ट नहा के निकल के आई हूँ। रात का टाइम बताऊँ कितना, कितने बजे? 10 बज रहे ना, 10 बज रहे हैं। और आज मैं अभी ना आई हूँ तो मैंने बताया मेरा मटका भी फुल है, मैंने एक कैन एक्स्ट्रा भर दिया है। और सबसे मेन चीज़ दिखाती हूँ, टोकरे, 3 टोकरे, तीन टोकरे बर्तन भर के मैंने आज धोए हैं। इतनी बुरी हालत हो रखी थी, सुबह से बाथरूम जाने तक का पानी नहीं था। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पड़ोसियों से मांग मांग के पानी ला रहे हैं कि रात तक पानी नहीं आया, ऐसी बुरी हालत हो गई है। और इसमें मैं रोटी निकाल देती हूँ एक्स्ट्रा। मैंने रसोई का पोछा कर दिया, ये सारी ये सेल्फ जो है मैंने उन्हें साफ़ कर दी। मैंने पूरे बर्तन जो हैं वो धोए हैं, तो मैं कह लो आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। और बस मतलब सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वो मैं सुबह करूँगी। बस मीनू ने कपड़ा कर दिया, वो ही बहुत है। मैं नहा के आई, इतनी बुरा मेरे को मतलब होते ना एक अंदर से फीलिंग, मेरे को इतना गंदा लग रहा था। डुडूस हो गया है यहाँ पे, वो देखो डुडू। उसकी चादर मैंने बिछा दी थी, इनकी मैं बिछाऊँगी क्योंकि दोनों भाई ने फुल मस्ती करी है। और बस मैं नहा ली हूँ, मैं क्या रात को दिखा देती हूँ। इतनी बुरी हालत हमारी हुई तो हुई, कैसे हुई भाई, सुबह से पानी, एक बूंद पानी नहीं है। बाथरूम जाने के लिए भी पड़ोसियों के यहाँ से बाल्टी भर के लेके आए मम्मी ने, टैंकर से भरा। टैंकर आता है ना संडे के दिन मीठे पानी का, और टंकियों में पानी ख़त्म था। ऐसे होता नहीं है कभी भी कि टंकियों में, हाँ आवाज़ें बहुत आ रही हैं, पसीने हो गए। इनके लिए ना फेस वॉश लेने गई, नीचे से स्कूटी में रखा हुआ था, निकाल के नहीं लाए थे। अब स्कूटी जो न्यू आई है TVS, उसकी डिग्गी ना खुले किसी से। एक भाई मैं मम्मी वाली लेके चली गई थी मार्केट, वहाँ से सांस फूल गए, बाकी भाई की गई खुली नहीं रही, खुली रही कभी लेफ्ट, कभी कभी तेल का खुल जाए, कभी कुछ। मोस्टली क्या होता है कि दबा के और फिर ऐसे करो ना चाबी को अंदर की तरफ करके दबा के थोड़ा फिर खोलो तो खुलती है। वो ऐसे नहीं खुलती, वो नॉर्मली जैसी लगी रहती है ना वैसे ही इधर करनी होती है, तब डिग्गी खुलती है। फाइनली खुल गई। तो हाँ मैं ये बता रही कि पानी नहीं आ रहा था, अभी हमारा काम फिनिश हुआ है। डुडू सो गया है, समर्थ सो अभी सुला देगी मीनू उसको, वो भी सो जाएगा अपनी कहानी सुन के। और मैं भी सोने जा रही हूँ, हस्बैंड गए थे आज काम से, तो मेरा आज पूरा दिन मैंने इस छोटे से ब्लॉग में बता दिया क्या हुआ। सुबह बनाई थी रोटियाँ, आलू ब्रोकली की सब्जी, उसके बाद में ये तो थे नहीं, मैंने और मीनू ने खाए कुरकुरे और चाय, मैंने LV करी, उसके बाद आटा लगाया, फिर थोड़ा बहुत छत पे घूमे, पानी के बिना तो कोई काम होता नहीं है घर में। रोटी बनाई, ये मोमोज लेके आए थे, मोमोज खाए, और मम्मी पापा के लिए रोटी, इनके लिए रोटी बनाई। अभी ये खाएंगे नहीं, वो रोटी रखी है, सुबह गाय को ही देंगे। तो ऐसा ऐसा मेरा पूरा दिन था, परेशान हो गए। बट बिना पानी के, सच में बिना पानी के ज़िंदगी नहीं है, कुछ काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है बगैर पानी के। तो चलो बाय बाय, मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।